हेलो दोस्तों, मैं शिवाजी सर आज पुनः जीएस कला संविधान लेकर आया हूँ हिंदी सीखे चैनल के माध्यम से। तो मैं आप सभी का इस चैनल के माध्यम से स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि आज इस जीएस के क्लास का पांचवा वीडियो जारी होने जा रहा है, जिसमें आज का जो टॉपिक होगा वो होगा मूल अधिकार। ठीक, मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप इस जो भी इस चैनल के माध्यम से हिंदी और जीएस के क्लास जारी किए जा रहे हैं उसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि हम हमारी मनोबल को आप बढ़ा सकें और हम आपको अधिक से अधिक संख्या में और भी वीडियो अन्य सब्जेक्ट के भी जारी किया जाएगा। ठीक, तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है मूल अधिकार। इससे पहले मैंने आपको संविधान का निर्माण, संविधान सभा, ठीक, उसके बाद भाग एक भाग दो पढ़ा दिया। ठीक, जो अगर आपको अभी तक मालूम नहीं चला है तो हमारे पीछे की वीडियो देख लेंगे, आपको बहुत बेहतर तरीके से सारी चीज़ों की जानकारी मिल जाएगी। ठीक, तो आज का जो टॉपिक है वो मूल अधिकार है। ठीक, तो मूल अधिकार क्या होता है मैं बताना चाहूँगा कि मूल अधिकार होता क्या है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में है। ठीक, जो अनुच्छेद 35 तक है, अनुच्छेद 12 से 35 तक है। ठीक, मूल अधिकार क्या होता है? तो एक आपके देश के व्यक्ति को स्वतंत्र रहने के लिए, शोषण के विरुद्ध, ठीक, समानता के लिए जो अधिकार दिया जाता है उसी को हम मूल अधिकार कहते हैं। ठीक, तो मैं बताना चाहूँगा कि मूल संविधान, देखिए आप यहाँ से क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा, इम्पॉर्टेंट चीज़ों को रखा जाएगा, आपका समय व्यर्थ नहीं किया जाएगा। ठीक, मैं बताना चाहूँगा कि मूल अधिकार भाग 3 में है, भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में है। ठीक, और अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका वर्णन है। ठीक, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है कि मूल अधिकार भाग कितने में, तो भाग 3 में, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो 12 से 35। मैं बताना चाहूँगा कि मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया, तो अमेरिका, यानी मूल अधिकार जो लिया गया आपके संविधान में वो अमेरिका से लिया गया। नागरिकता कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया। ये सारी चीज़ें अगर जानना, अधिक मात्रा में बहुत अच्छी तरह से संविधान को पढ़ना चाहते हैं तो पीछे के वीडियो जरूर देखें। ठीक, तो मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया, जो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। ठीक, मैं बताना चाहूँगा कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार को मैग्ने कार्टा कहा जाता है। क्वेश्चन बन सकता है कि किस भाग को मैग्ने कार्टा कहा जाता है, तो भाग 3 जिसको मूल अधिकार कहा जाता है। ठीक, अब मूल अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 तक है। ठीक, मूल संविधान, क्वेश्चन बनता है कि मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी। तो मूल संविधान में, जैसे मूल संविधान में जो मूल अधिकारों की संख्या थी वो थी 7। यानी मूल संविधान में मूल अधिकार कितने थे? 7। यानी जब भारतीय संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय मूल अधिकारों की संख्या 7 थी। लेकिन देखिए, बहुत बेहतर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं, लेकिन क्या किया गया, 44वें संविधान संशोधन यानी 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में जब आपके देश के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बनते हैं, कौन बनते हैं, मोरारजी देसाई, जो जनता पार्टी से भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। ठीक, तो उस समय 44वां संविधान संशोधन किया जाता है, और इसके द्वारा क्या किया जाता है, जो एक मूल अधिकार था संपत्ति का अधिकार उसको हटाया जाता है। यानी संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया जाता है, लेकिन कहाँ रखा जाता है, अनुच्छेद 300A में या अनुच्छेद 300 क में। ठीक, और जिसको कानूनी या विधिक का अधिकार बनाया जाता है, कौन सा अधिकार बनाया जाता है, कानूनी या विधिक अधिकार बनाया जाता है। ठीक, क्वेश्चन बन सकता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाएगा, तो 44वां संविधान संशोधन, बेहद इंपॉर्टेंट है। एक चीज मैं बताना चाहूंगा जो अपने हमेशा याद रखिएगा, कि जब भी हटाने की बात आती है संविधान में, जब भी तथ्यों की हटाने की बात आती है, बेहद गौर से याद रखिएगा, शायद ये सब चीज़ें दूसरे चैनल पर नहीं मिलेगा जो हम बताने जा रहे हैं। हर चैनल से, हर टीचरों से अलग मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ, कम समय में आपको मैं ये तथ्य को देने का कार्य कर रहा हूँ।
यानी जब भी क्वेश्चन बनेगा हटाने की, जब भी आपके संविधान में संविधान संशोधन से अगर क्वेश्चन आए हटाने की, तो समझ जाइएगा वहाँ पर हमेशा 44वां संविधान संशोधन होगा। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। 44वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से 5 वर्ष किया गया, यानी ये सब चीज़ें किया गया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा, जिसको भारतीय संविधान का लघु संविधान कहा जाता है, उसके द्वारा जोड़ने का काम किया गया। आपका कन्फ्यूजन हमेशा दूर हो जाएगा, क्योंकि जब आपकी परीक्षा में क्वेश्चन आता है तो आप कन्फ्यूज हो जाते हैं कि 42 होगा तो 44 होगा। हमेशा यह ध्यान रखिए, जब भी हटाने की बात आएगी तो 44 होगा, जोड़ने की बात आती है तो 42 होता है। ठीक, मैं आगे जाऊंगा बहुत अधिक समय बर्बाद न करते हुए। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाएगा, जो वर्तमान समय में अनुच्छेद 300 ए या अनुच्छेद 300 क में कानूनी या विधिक अधिकार के रूप में है। ठीक, आते हैं, यानी वर्तमान में अगर देखा जाए तो मूल अधिकारों की संख्या कितनी हो गई, 6। यानी वर्तमान में मूल अधिकार कितने हैं, 6। मूल अधिकार कितने हैं, 6 है। ठीक, और मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, 7। ठीक, अब आते हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि मूल अधिकार कौन कौन है, उसको पहले आप जान लेंगे क्या कि 6 वर्तमान में 6 मूल अधिकार कौन है, उनको बारी बारी से मैं डिटेल आपको पढ़ाऊँगा बेहद रोचक तरीके से। ठीक, आप एकदम पूरे अंत समय तक बने रहेंगे, ताकि अगर ये थोड़ा भी अगर इधर उधर जाते हैं, अगर एक क्वेश्चन अगर नहीं कर पाएंगे तो आप अपने नौकरी को अपने हाथों से गंवा सकते हैं। तीन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पूरे अंत तक वीडियो को देखिएगा। तो वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है, जिसको मैं बताने जा रहा हूँ, और इनके बारे में डिटेल में बताऊँगा। ठीक, तो वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है, जिसमें पहला मूल अधिकार क्या होता है, समता या समानता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। यानी क्वेश्चन बनता है कि समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक बढ़े, तो 14 से 18। ठीक, दूसरा जो मूल अधिकार है वह है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तीसरा जो मूल अधिकार होता है वो होता है शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये सब चीज़ें जो भी लिखा जा रहा है बेहद इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, जो अनुच्छेद 23 से 24। ठीक, तीसरा हो गया। चौथा जो मूल अधिकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। बिल्कुल अंतिम तक बने रहिएगा, क्योंकि बेहद रोचक टॉपिक है। जो अनुच्छेद 25 से 28 तक, यानी जो चौथा मूल अधिकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो 25 से 28 तक है। ठीक, पांचवा जो मूल अधिकार है वह है संस्कृति और शिक्षा संबंधी, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो अनुच्छेद 29 से 30 तक है। ठीक, छठवां जो मूल अधिकार है जिसको संवैधानिक उपचार बोला जाता है, संवैधानिक उपचार, जो अनुच्छेद 32 है, एक जो बीच में जो अनुच्छेद 31 है वो आपका संपत्ति का अधिकार है, जिसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। ठीक, तो ये वर्तमान समय में आपके भारतीय संविधान में मूल अधिकार है, जिसमें पहला मूल अधिकार है समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, तीसरा जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, चौथा जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, पांचवा जो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30, और छठवां जो मूल अधिकार है वो संवैधानिक उपचार है, जो अनुच्छेद 32 है। ठीक, मैं बारी बारी से सबके बारे में बताऊंगा। तो मैं सबसे पहला जो मूल अधिकार है समता या समानता, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। बेहद रोचक होगा, और पूरे संविधान में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरे संविधान में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और सबसे अधिक पूछे जाने वाला टॉपिक है। यहाँ सबसे अधिक क्वेश्चन बनता है अनुच्छेदों में। अगर मैं 100 में 100% दावा कर सकता हूँ कि यदि आपको अनुच्छेद याद करना है तो मूल अधिकार के जितने भी अनुच्छेद मैं पढ़ाने जा रहा हूँ याद कर लीजिएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरा दावा है। ठीक, आगे चलते हैं। जो पहला मूल अधिकार है वो समता या समानता का मूल अधिकार है, जिसमें यह कहा गया। ठीक, इसमें अनुच्छेद 14 से 18 तक बढ़े, तो अनुच्छेद 14 क्या कहता है, अनुच्छेद
14 इसमें यह कहा गया कि विधि के समक्ष समानता और विधि में संरक्षण विधि में समान संरक्षण, ठीक। यानी अनुच्छेद 14 ये कहता है कि किसी व्यक्ति यानी भारत का कोई भी व्यक्ति, व्यक्ति मतलब समझ लीजिएगा कि व्यक्ति का मतलब ये नहीं कि केवल भारत का ही नागरिक, व्यक्ति का मतलब बेहद इंपॉर्टेंट, या जो मैं बताने जा रहा हूँ शायद कहीं आपको नहीं मिलेगा, यह ध्यान दीजिएगा कि व्यक्ति का मतलब होता है वो भारत का नागरिक, दूसरे देश का भी नागरिक हो सकता है, कोई संस्था भी हो सकती है, व्यक्ति के अंतर्गत भारत का भी नागरिक हो सकता है, विदेशी नागरिक भी हो सकता है और कोई संस्था भी हो सकती है। यानी कहने का मतलब अनुच्छेद 14 क्या कहता है कि विधि के समक्ष समानता और विधि में संरक्षण, समान संरक्षण। यानी अनुच्छेद ये कहता है कि कानूनी रूप से किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो कोई भी संस्था हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक। अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि जाति धर्म, वंश मूल, ठीक, स्थान, जाति धर्म वंश मूल और स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी आप किस जात से हैं इससे कोई मतलब नहीं है। यदि कानूनी प्रक्रिया में संविधान से संबंधित कोई मामला है तो आप किस जात से बिलोंग करते हैं इसका कोई मतलब नहीं है, किस धर्म से बिलोंग करते हैं इसका कोई मतलब नहीं है, किस वंश से बिलोंग करते हैं इसका कोई मतलब नहीं है, किस मूल से हैं इसका मतलब कुछ नहीं। यानी सबको, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। यानी अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि जाति धर्म वंश मूल स्थान के साथ भेदभाव क्या है, निषेध है, भेदभाव निषेध है, ठीक। इसी में मैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको बताने के बहुत अधिक प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही अंदर तक डीप जानकारी की जरूरत नहीं है। इतना मैं बताना चाह रहा हूँ कि अनुच्छेद 15 यानी देखिए पहले क्या होता था कि जो छोटे कास्ट के लोग होते थे उनको कुएं पर पानी नहीं पीने दिया जाता था, ठीक। लेकिन अनुच्छेद 15 जैसे ही भारतीय संविधान में लाया गया तो यह नियम बताया गया कि कुएं पर हर वर्ग के लोग पानी पी सकते हैं, हर जात के लोग, हर मजहब के लोग पानी पी सकते हैं, किसी भी सार्वजनिक स्थल पर हर वर्ग हर जात के लोग जा सकते हैं, किसी भी खेल मैदान में, किसी भी सड़क पर हर वर्ग हर जात के लोग जा सकते हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए। अनुच्छेद 15-2 कहता है, ठीक, 15-1 कहता है, ठीक, 15-3 ये कहता है कि शैक्षिक संस्थाओं में पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का प्रावधान है 15-3 ये कहा गया, ठीक। तो ये रहा अनुच्छेद 15 जिसमें जाति धर्म वंश के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। क्वेश्चन नहीं बनेगा कि जाति धर्म वंश मूल के स्थान पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता, अनुच्छेद कौन सा है, तो 15 है, ठीक। इसमें जैसे मान लीजिए कभी कभी आप कन्फ्यूज होते हैं कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि आरक्षण की बात आती है तो कुछ राज्यों का स्पेशल आरक्षण होता है, कुछ राज्यों का स्पेशल आरक्षण नहीं होता है। जैसे मान लीजिए किसी राज्य में आप जाते हैं तो आपके लिए 5% आरक्षण होता है, किसी राज्य में केवल उसी राज्य के लोग रहते हैं, तो ये अनुच्छेद 15 के तहत ही आरक्षण दिया जाता है, ठीक। आगे अनुच्छेद 15 हो गया, इसके बाद जो अनुच्छेद है वो 16 है, ठीक। अनुच्छेद 16 क्या कहता है, अनुच्छेद 16 ये कहता है कि लोक नियोजन, अनुच्छेद 16 लोक नियोजन एवं अवसर में समानता, बेहतर तरीके से मैं बहुत ही साधारण भाषा में बताना चाहूँगा आपको ताकि आप बिना मेहनत के इसको याद कर लेंगे, ठीक। अनुच्छेद 16 क्या कहता है, लोक नियोजन एवं अवसर में समानता। मेरे कहने का मतलब है यानी भारत सरकार के द्वारा कोई भी अवसर दिया जा रहा है तो उसमें सबको समान रूप से दिया जाएगा, ठीक। जैसे मान लीजिए कोई वैकेंसी आती है तो उसमें ये नहीं होगा कि इस वर्ग का वैकेंसी अधिक रहेगा, इस यानी जो आरक्षण का प्रावधान है उसके अनुसार ही चलेगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे मान लीजिए जो नियुक्तियाँ की जाती है, जो पदोन्नति होता है, सब इसी के अनुसार होता है, सबके साथ अवसर में समानता दिया जाता है, ठीक। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यह केवल भारत के नागरिक के लिए,
किसी विदेशी नागरिक को यह नहीं दिया जाता है। ठीक, यानी कोई नागरिक बाहरी नागरिक आ जाएगा तो उसको अवसर में समानता नहीं दिया जाएगा, केवल भारत का जो नागरिक है उसको अवसर में समानता दिया जाता है। ठीक, या आपके परीक्षाओं में जो मानक रखे जाते हैं, क्वेश्चन बन सकता है कि परीक्षाओं में जो मानक रखे जाते हैं, जो मापदंड रखे जाते हैं, जो शारीरिक मानसिक क्षमता रखी जाती है, किस अनुच्छेद के तहत है, तो अनुच्छेद 16 के तहत है। जो भी चीज़ हम बता रहे हैं, शायद मैं बता देना चाहूँगा कोई किसी भी चैनल के माध्यम से चीज़ें बताई नहीं जाएगी। ठीक, आगे जो अनुच्छेद आपका है वो आता है अनुच्छेद 17 जो बेहद इंपॉर्टेंट है और सब बहुत ही अधिक बार पूछा जाता है। अनुच्छेद 17 क्या है कि अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत, यानी अनुच्छेद क्या कहता है, अनुच्छेद 17 ये कहता है कि किसी के साथ जैसे अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत, पहले क्या होता था कि लोग एक दूसरे से बहुत अधिक भेदभाव करते थे, छोटी जात के यहाँ जो छोटे वर्ग के लोग थे उनके यहाँ लोग खाना नहीं खाते थे, ठीक, या जो भी होता था, यानी छुआछूत बहुत अधिक चलता था, लेकिन वर्तमान समय में नहीं है। क्यों, इसलिए नहीं है कि अनुच्छेद 17 का देन है, अनुच्छेद 17 के तहत ही अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत किया। क्वेश्चन यही बनता है कि किस अनुच्छेद के तहत छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत किया गया, तो अनुच्छेद 17। उसके बाद आता है जो वो आपका आता है अनुच्छेद 18। ठीक, तो अनुच्छेद 18 क्या, उपाधियों का अंत, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, उपाधियों का अंत। पहले क्या होता था, पहले कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को उपाधि देते, जैसे महात्मा गांधी को किसी ने महात्मा कह दिया, ठीक, जैसे सुभाष चंद्र बोस को किसी ने नेताजी कह दिया, जैसे विंस्टन चर्चिल जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, तो उसने महात्मा गांधी को नंगा फकीर कह दिया, ठीक, या महात्मा गांधी को किसी ने राष्ट्रपिता कह, तो पहले एक व्यक्ति विशेष मनोपाधि दिया करते थे, लेकिन अब क्या, जो भारतीय संविधान लागू किया गया था इसमें ये कहा गया कि कोई व्यक्ति विशेष उपाधि नहीं देगा, केवल अब उपाधि दो संस्थाएं दे सकती हैं, जिसमें एक होता है सेना, ध्यान दीजिएगा कौन दो संस्थाएं जो उपाधि दे सकते हैं, एक सेना और एक विद्या। ठीक, यानी सेना और विद्या के माध्यम से ही केवल उपाधि दिया जाएगा, सेना के क्षेत्र से और विद्या, जैसे सेना में मान लीजिए तमाम उपाधियाँ होती हैं, कर्नल लेफ्टिनेंट जो भी होता है, विद्या के क्षेत्र में मान लीजिए डॉक्टर हो गया, प्रोफेसर हो गया, लेक्चरर हो गया, जो भी उपाधियाँ होती हैं, तो ये आपका अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का अंत, यानी व्यक्ति विशेष के माध्यम से जो उपाधि दिया जाता था उसको अंत किया गया, लेकिन किसके माध्यम से केवल उपाधि दिया जाता है, सेना और विद्या। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, भारत रत्न जो है वो आपकी उपाधि नहीं है, भारत रत्न उपाधि नहीं है, भारत रत्न से अलंकृत किया जाता है, क्या किया जाता है, अलंकृत, यह बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत रत्न एक उपाधि नहीं है। ठीक, तो भारत रत्न क्या होता है, लोग अलंकृत उपाधि का मतलब ये होता है कि जो आगे नाम के आगे और नाम के पीछे लगाया जाता है उसको उपाधि कहा जाता है। ठीक, आगे ये आपका रहा अनुच्छेद 14 से 18 समता या समानता का अधिकार। ठीक ठीक, तो आप पढ़ लिए समता या समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 था। ठीक, मैं अगले वीडियो में स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ाऊंगा जो 19 से 22 तक होगा। ठीक, तो मैं पुनः आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हिंदी सीखे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि आगे हमारा मनोबल बढ़ा रहे और अधिक से अधिक मात्रा में आपको हर सब्जेक्ट का अलग अलग वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक, इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद, नमस्ते।